जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने मरी साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। तो ऐसा क्या हुआ था कार्तिक पूर्णिमा को जो इसको इतना उत्तम स्थान दिया गया है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक भी रहेगी। तो दोस्तों, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसी कौन सी 5 घटनाएं हुई थी जिनकी वजह से हिंदू धर्म में इनका विशेष महत्व है। जिन 5 घटनाओं की वजह से कार्तिक पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है, आइए दोस्तों एक एक करके हम उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस मास में दिवाली से लेकर देव उठनी एकादशी तक कई बड़े त्योहार पड़ते हैं। अब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व मनाया जाएगा। साल में 12 पूर्णमासी होती हैं, लेकिन इनमें कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन तप, जप, पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का पुण्य अन्य दिन की अपेक्षा कई गुना प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करके बछड़ा दान करने से शिव लोक की प्राप्ति होती है। शैव मत से लेकर वैष्णव में भी कार्तिक पूर्णिमा की महत्ता को दर्शाया गया है। इस दिन 5 घटनाएं हुई थी जिनका हिंदू धर्म में खास महत्व है। सबसे पहली जो घटना है दोस्तों, वो है भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा की थी। भगवान का यह अवतार कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने की वजह से वैष्णव मत में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु इस मास में मत्स्य रूप में मछली के रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर अपने मछली के स्वरूप को त्याग कर वापस वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। दोस्तों, शैव मत के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को त्रिपुरारी का नाम मिला था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने एक खास रथ पर बैठकर अजेय रहने वाले असुर त्रिपुरासुर का वध किया था। इस असुर के मारे जाने पर तीनों लोकों में फिर से धर्म को स्थापित किया गया। इससे सभी ने भगवान शिव को त्रिपुरारी का नाम दिया। इसलिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। महाभारत युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे कि उनके संबंधियों की असमय ही मृत्यु हो गई। इससे उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? पांडवों के दुख को देखकर भगवान कृष्ण ने पितरों की तृप्ति के उपाय बताए थे। इस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक की विधि शामिल थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में तर्पण और दीप दान किया था। इसके बाद ही गढ़ मुक्तेश्वर धाम में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, पूजा और दान की परंपरा अभी तक चली आ रही है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ विवाह हुआ था और पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी का वैकुंठ धाम में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का खास महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन ही मानव जगत के कल्याण के लिए तुलसी का पृथ्वी पर आगमन भी हुआ था। दोस्तों, इस दिन नारायण भगवान को तुलसी अर्पण करने से
अन्य दिनों की अपेक्षा करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व हमारे धर्म में ही नहीं, सिख धर्म में दूसरे धर्मों में भी पाया जाता है। सिख धर्म के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही पूजनीय है, क्योंकि इसी दिन सिख धर्म की स्थापना हुई थी। इस धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म भी हुआ था। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख धर्म में प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है और गुरुद्वारों में इस दिन विशेष कार्यक्रम और लंगर का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के साथ साथ सिख धर्म में भी कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, कार्तिक मास विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी का प्रिय मास है। कार्तिक मास को सर्वोत्तम मास कहा गया है और कार्तिक पूर्णिमा इस मास का अंतिम दिन होता है। तो दोस्तों, अगर आपने पूरे कार्तिक में भी कोई स्नान दान तप यज्ञ नहीं किया है, तो दोस्तों आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन उस कमी को पूरा कर सकते हैं। आप इस देव दिवाली के दिन दीप दान कीजिए, स्नान कीजिए, दान कीजिए, विशेष पूजा पाठ कीजिए, धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, हो सके तो यज्ञ कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप संपूर्ण कार्तिक मास का फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप सबका जीवन सुखमय रहे, आनंदमय रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।